कन्फ्यूजन नंबर वन, इट मीन्स लोगों को कन्फ्यूजन है कि वेयर टू पुट इजमेनआर, इजमार कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आई एम गोना एक्सप्लेन यू वन बाय वन स्टेप्स के साथ कि कहाँ कहाँ पर मैं इजमार अपने सेंटेंसों में यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट्स सी द फर्स्ट कंडीशन। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट इन प्रेजेंट टेंसेस, लाइक प्रेजेंट टेंसेज जिनके बाद में है आता है, क्लियर, जिनके बाद में है वो प्रेजेंट टेंस है। तो इन प्रेजेंट टेंसेज व्हाट आई हैव टू डू, इन प्रेजेंट टेंस आई यूज इजमेनआर, बट द कंडीशन इज दैट देयर शुड बी नो एक्शन, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई वर्ब उसमें नहीं आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के साथ बताया जाए, सी इज़ माय फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है, तो मेरी दोस्त है मैं कोई एक्शन वर्ड नहीं है, दैट इज़ आई एम यूजिंग इजमार। जब किसी सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड नहीं आता और वो प्रेजेंट टेंस में है, देन आई यूज़ इज़ एम एन आर इन माय सेंटेंसेस। समझ में आया, प्रेजेंट टेंस होगा लेकिन कोई एक्शन वर्ब एक्शन उसमें नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर एट होम, वे घर पर है। राहुल इज अ डॉक्टर, राहुल एक डॉक्टर है। वी आर इंडियन, हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं। आई कैन ऑल्सो प्रिपेयर नेगेटिव सेंटेंसेस, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। यू आर नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा भाई नहीं है। ही इज़ नॉट माई ब्रदर, राहुल डॉक्टर नहीं है, राहुल इज़ नॉट अ डॉक्टर। तो कभी भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इन सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब है इज एम एन आर, और नेगेटिव सेंटेंसों में नॉट इज़ यूज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, लाइक यू आर नॉट माई फ्रेंड, राहुल इज़ नॉट अ डॉक्टर। क्लियर। नाउ टॉक अबाउट इंटरोगेटिव, अगर इंटरोगेटिव भी बनाऊँ तो उसमें भी मैं इंटरोगेटिव भी बना सकता हूँ कि क्या तुम मेरे दोस्त हो। आपने डायलॉग सुना होगा, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, आर यू फूल। तो इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट आई यूज, जब क्या से कोई क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। यहाँ पे इजारे में हेल्पिंग वर्ब है तो इजारे में पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड, अगर मुझे पूछना है क्या वह मेरा दोस्त है, इज ही माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। अब मुझे क्वेश्चन पूछना है, आर यू माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, आर लगा वही आर पहले, आर यू माई फ्रेंड, इज इट ओके, क्लियर। लेट्स सी द सेकेंड कंडीशन वेयर आई यूज इजमेनआर। नेक्स्ट कंडीशन इज दैट व्हेन द सेंटेंस इन प्रेजेंट, सेंटेंस प्रेजेंट में ही है बट देर इज एन एक्शन विथ कॉन्टिन्यूटी, जिसमें एक्शन भी है लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी में है, वर्क ऑन प्रोग्रेस। जैसे आपने बोर्ड पे देखा होगा कि वर्क ऑन प्रोग्रेस, कि कार्य प्रगति पर है। जब काम कोई चल रहा है और वो प्रेजेंट में है, देन आई यूज इजमेनआर इन माई सेंटेंसेज। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, काम शुरू हो गया लेकिन अभी भी चल रहा है, आई एम टीचिंग। लेट्स हैव द एग्जांपल हियर, यहाँ पे यूज करेंगे सब्जेक्ट इजमेनआर, मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट इज एम आर, वी फर्स्ट आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज वेरी सिंपल। जैसे सी इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है। दे आर लाफिंग, वो हंस रहे हैं। गॉट इट। You are listening, तुम सुन रहे हो। I am telling, मैं बता रहा हूँ। Got it? I can also prepare negative sentence here. Same process है, not helping verb के बाद लगेगा। Like they are not listening you, वो तुम्हें नहीं सुन रहे हैं। We are not getting, हमें समझ में नहीं आ रहा है। You are not telling truth, तुम सच नहीं बता रहे हो। You are not going there, तुम वहाँ नहीं जा रहे हो। Same process with the questions. क्वेश्चंस के साथ भी, अगर मुझे क्या से क्वेश्चन बनाने तो इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करेंगे। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। सेम प्रोसेस। तो ध्यान रखना, दोनों कंडीशनों में इजमार यूज़ होगा, जब प्रेजेंट टेंस होगा लेकिन कोई वर्ब नहीं होगी। वन मोर, जब प्रेजेंट टेंस होगा लेकिन वर्ब होगी, वो भी कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यूटी में। इज इट क्लियर। प्रेजेंट टेंस के दो टेंसेज है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, और प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी। क्लियर। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट की मैं बात करूं, तो यहां पर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं। प्रेजेंट में टेंस है लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, एक्शन के साथ है लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी में नहीं है और उसमें एक्शन है तो उसमें जमात नहीं आता। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, वह खाना बनाती है, वे घूमने जाते हैं, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूँ, कोई कॉन्टिन्यूटी सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूटी आ रही है इसमें, कॉन्टिन्यूटी रहा है, रही है, रही है, प्रेजेंट टेंस में, वो जा रहा है, वो खेला है। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है, तो इजमार नहीं लगाएंगे। व्हाट आई विल यूज हियर,
व्हाट आई विल यूज हेयर, आई विल यूज हेयर सब्जेक्ट वी फर्स्ट एस ओर यस ऑब्जेक्ट। जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। सी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। पहले दो सेंटेंसों में मैंने इज़मार यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी डू एंड डस। प्रेजेंट डेफिनेट के सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू एंड डस। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी डू एंड डस, जिसके बाद लग जाएगा नोट, तो बन जाएगा नेगेटिव। जैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, आई के साथ लगता है डू। आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वे घूमने नहीं जाते, दे डोंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं पिज्ज़ा नहीं खाता, आई डोंट ईट पिज्ज़ा। क्लियर? मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट टेल ए लाई। तो यहाँ पर मैं उन एक्शंस की बात कर रहा हूँ जो मैं हर बार करता हूँ, रोज करता हूँ या कभी नहीं करता, उन एक्शंस की बात कर रहा हूँ जब लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इज इट ओके? डू डस समझ में आया? इसकी हेल्प में होगी डू डस। इसी को इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम लगाएंगे डू डस फर्स्ट। जैसे मैंने बताया था कि क्या से कोई भी क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो यहाँ पे थी इज़ अमार और यहाँ पे क्या है? डू डस। तो यहाँ पे डू डस पहले आ जाएगा। क्या तुम उसे जानते हो? डू यू नो हिम? क्या वो यहाँ रोज आता है? डज ही कम हेयर एवरी डे? क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? क्या वे घूमने जाते हैं? डू दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक? क्लियर? समझ में आ रहा है? एक और टेंस है प्रेजेंट में, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पर बात होती है जब काम खत्म हो गया हो, शुरू हुआ और ख़त्म हो गया है, प्रेजेंट टेंस में ही खत्म हुआ है। दैट इज़ यूज़। जैसे मैंने खाना खा लिया है, वे घर आ गए, अरे वो तो मार्केट चली गई है, मैंने ताजमहल देख लिया है। इन दिस ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस मैं क्या बता रहा हूँ? कि मैंने कोई काम कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। हेयर आई यूज हैज़ हैव प्लस वी थर्ड। मैं क्या यूज़ करता हूँ यहाँ पे? हैज़ हैव प्लस वी थर्ड यूज़ करता हूँ, हैज़ हैव एज़ अ हेल्पिंग वर्ब। और ध्यान रखना है, एक रूल है कि हैज़ हैव के साथ कभी भी अगर कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। हैज़ हैव के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही लिखी जाएगी। जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। दे हैव कम, वे आ गए हैं। कम थर्ड फॉर्म ही होती है, कम केम कम। वे चले गए हैं, दे हैव गॉन। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट यू। इज इट ओके? सेम प्रोसेस नेगेटिव सेंटेंस में भी बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के, जो काम अभी तक नहीं हुआ है। जैसे मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन और टेकन माई लंच येट। मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली है, आई हैव नॉट गॉट माई सैलरी येट। वे अभी तक नहीं आए हैं, दे हैवंट कम येट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, जो काम नहीं हुआ है तो उसमें नॉट लग जाएगा। अगर हमें किसी काम के बारे में पूछना है कि क्या वो हो गया है, देन हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट होगी। अगर क्वेश्चन क्या से है, हैज़ हैव फर्स्ट, पहले वाले में इज़मार फर्स्ट, इज़मार फर्स्ट, फिर डू डज फर्स्ट, और इसमें हैज़ हैव फर्स्ट। जैसे हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू एवर विजिटेड रेड फोर्ट, हैव यू एवर गॉन देयर, हैव यू प्लेड क्रिकेट, हैव दे संग सॉन्ग, क्या उन्होंने गाना गा लिया है? इज इट क्लियर? कोई डाउट? ओके?